हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल व्लॉग में। आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही, रात के 7 बजे से हो रही। तो जो सारा दिन तो ऐसे ही दवाई लेकर लेटी रही, पता ही नहीं लगा कि कहाँ लेट रही ना। और भाई चोट लगी बताया नहीं, क्योंकि परेशान हो जाते सब, और तो इसी वजह से नहीं बताया। और इधर जो है सारा दिन हो गया ना चकमा दे, तो वो सब गुनु को हमें तो आज होमवर्क नहीं मिला, तेरी तो चोट का और मेरे आना रहने बीजी रहने का। और जो मैंने कहा ये दोनों तो चली गई, आज जो है शिवानी आई थी उसके साथ घर पे, उसे कहा तो वो कहने लगा कि आज तो हमें होमवर्क नहीं मिला। अब आरुषि आई, मैंने कहा होमवर्क नहीं मिला बेटा, तेन कह मिला, तो तब सच्चाई खुल गई सामने। हाँ, और नंदनी को क्या भरम है कि इसका काम जो है चिंकी ने कर दिया, ड्राइंग का नहीं है बेटा, ड्राइंग का कल करिए, पहले तो अपना वैसा कर होमवर्क, रिटर्न वर्क। क्यों बेटा हाथ की जोड़? इसकी मैम जी हमें बता दे इसका सारा काम, और फिर दो हजार में मैथ्स का काम है, इसका पहले वो करो। जो देखो कितना भाई, कितना बढ़िया भाई है ना, हाथ जोड़ जोड़ का काम करवा रहा, देख लगा कर। मैम जी हमें छत्ते की इसके हम क्या कर रहे हैं, इसे छत्ते में इसके मैम इसका काम है, मानो थोड़ी ही हमारा तो थोड़ा। ये पॉइंट ना हमारा, अपना काम कर ले जो उससे रहना। क्या काम करो? ठल्ली माता ठल्ली, तू बता एबीसीडी कुछ तो पढ़ लिया। एबीसीडी ये देखो, दोनों भाइयों की बहस होगी, पड़ेगी छोटी। एबीसीडी चल देखे बोलते ये देखो आरिस के उड़ज गया, गगन निकालिए निकालिए, उड़ज गई उड़ज गई किताब में, उड़ज गई फंस गई किताब में। पहले याद कर लो जो मिला। और चलो क्या करी, घर क्या खा का आज? ये तो पीले खिंड जाएगा दूध यही से। तो गाइस सुबह का टाइम है, और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि रूम पे पहुंच चुके हैं अपने, और सुबह का जो नज़ारा अपने यहाँ होता है, सुबह सुबह सूरज सीधे यहाँ से पूर्व दिशा से हमारे कमरे पे सामने से डायरेक्ट सन आती है, और अभी जाग भी गए हैं। का टाइम अब थोड़ा बढ़ रहा है, तो रात में ना ठंडी लगने लगी है, पहले हल्की सी चादर में ही लेट जाते थे, ठंड नहीं लगती थी, लेकिन आज इस हल्की चादर में थोड़ा ठंड ज़्यादा महसूस की है, क्योंकि कपड़े अपने कुछ निकालने पड़ेंगे ओढ़ने के, चादर वगैरह कंबल वगैरह, चादर सब काम नहीं चलने वाला है, ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि अपने रूम पे पहुंच गया भाई, ड्यूटी भी ज़रूरी है, क्योंकि दीपावली की छुट्टी में हमारे सोमनेश्वर भी घर गए हुए हैं, और सीएल उनके पास भी बची हुई थी, तो परिवार के पास ज़्यादा दिन में जाते हैं, तो अभी एक दो दिन रुक के आएंगे। उधर हमारे इंचार्ज हेडमास्टर साहब को भी चोट लग गई, तो बाइक से गिर गए, तो स्कूल में दो लोग पहले से ही छुट्टी थे, तो अब स्कूल में आना भी ज़रूरी था। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया, हालांकि मैंने बताया नहीं कि प्रीति को चोट लग गई है थोड़ा बाइक से, लेकिन फिर भी मैं चाह तो रहा था कि एक दो दिन रुकूं प्रीति के पास और देखभाल उनकी करूं, लेकिन स्कूल में भी आना ज़रूरी था, बाकी दो लोग छुट्टी गए हैं तो स्कूल खोलना भी ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी तो अपने रूम पर हैं, और नहा धो के रेडी होकर खाना वाना खा के जाएंगे स्कूल में। यहाँ से हालांकि छठ पूजा की भी छुट्टी आने वाली है एक दो दिन में, और उसके बाद एक दो सीएल लूँगा प्रीति के पास, फिर जाऊँगा थोड़ी देखभाल उनकी, एक दो दिन कर लूँगा अभी, क्योंकि उनके घुटने पे चोट ज़्यादा है। तो फिलहाल तो अभी रेडी हो लेते हैं और चलिए चलते हैं स्कूल में। क्लास टू के बच्चे हैं, टू के हैं, थ्री के हैं, बच्चे कम आए थे तो एक जगह ही बैठाए हैं, और टॉपिक आज इनका है हिंदी की किताब में, सारंगी है इनकी किताब का नाम, और आज का इनका जो टॉपिक है अनुस्वार। अनुस्वार होता है अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी, पंचम अक्षर जो होते हैं अंग या अण न म, इनके स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, देख रहे हो बच्चों? एक दो तीन चार पाँच छ, कितने शब्द लिखे हैं? अनुस्वार नहीं लगाया है इनमें, पहले वाले में दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, अनुस्वार तुम्हें लगाने हैं, ठीक? सबसे पहले
शब्द पे कौन लगाएगा हाथ उठाओ? अर्जुन आओ, अर्जुन चाक ले लो वहां से। तीन अक्षर है, किसके ऊपर अनुस्वार लगेगा? आके क्या पढ़ोगे अब इसको? जोर से, जोर से बोलो बच्चों, क्या पढ़ोगे? अंगूर। शाबाश, जाओ अर्जुन चाक लाओ। दूसरे शब्द के ऊपर अंशिका बेटिया, अंशिका सबसे पहले हाथ उठाई थी। प, त और ग लिखा, किसके ऊपर अनुस्वार लगेगा? लगाओ। और ये भी बता दो बेटिया, क्या पढ़ा जाएगा अब? ये क्या पढ़ा जाएगा? क्या पढ़ोगे बच्चों? पतंग। शाबाश। अब तीसरा शब्द लिखा है, उसमें अनुस्वार छूटा है, दिवांश नहीं दिलांश, किसके ऊपर अनुस्वार लगेगा? नहीं बताना है, लगाओ। क्या पढ़ोगे इसको? क्या पढ़ोगे बच्चों? शाबाश, लाओ। चौथा शब्द लिखा है कबल, अलका। अलका आज बहुत पीछे बैठी हो बिटिया, सबसे पीछे। तीन अक्षर लिखे हैं क ब ल, अनुस्वार किसके ऊपर लगेगा? क के। अब बिटिया क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे इसको? कंबल। क्या पढ़ोगे बच्चों? शाबाश। पांचवा शब्द लिखा है और उसके ऊपर अनुस्वार नहीं लगा है, पीहू। हाथ उठाई है सबसे छोटी बिटिया, पीहू, पीहू लगाएगी। अनुस्वार किस अक्षर के ऊपर लगेगा? घा पे। और क्या पढ़ा जाएगा बेटिया ये? क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? शाबाश, बहुत बढ़िया। और लास्ट का एक शब्द बचा है, उस पे भी अनुस्वार नहीं लगा है, शिवचरण। किसके ऊपर लगाओगे अनुस्वार और क्या पढ़ोगे इसको? जोर से, क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? वेरी गुड, ताली बजाओ एक बार सब बच्चे। इस स्कूल से आकर थोड़ा सा सो लिया था, क्योंकि सफर की थकान रहती है तो थोड़ा सा नींद लेकर माइंड कुछ फ्रेश हो जाता है, तो स्कूल से आकर थोड़ा सा सोया। और सोने के लिए मेरा बहुत आसान तरीका है, मच्छरदानी लगाई भी ना तो मुझे नींद नहीं आती, मच्छरदानी लगा कर लेटा था। और साथ में किताब रख लें, कुछ पढ़ना शुरू कर दें तो पढ़ते हुए और बढ़िया नींद आए। थोड़ा सा आप पढ़ लिया था ना कुछ, तो और थोड़ा सा आराम कर लिया, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा फ्रेश महसूस कर रहे। और सब्जी वब्जी खरीद के ले आए, खाना बनाने की तैयारी है, किचन में चलेंगे अभी। देखिए आज क्या बनाओगे हम, एक तो मट्ठा ले आए थे घर से, थोड़ा सा तो मट्ठे में भी तड़का लगाओगे, और सब्जी में बनाओगे हम। दो सब्जियाँ लेकर आए हम मंडी से बाहर से, और लौकी के अलावा भी लाए सब्जियाँ, तो हम कहीं सही लाए, परवल वगैरह भी तो लाए, टमाटर लाए, अदरक लाए, और हरी मिर्च है, प्याज है। परवल कहाँ रख दिया, परवल बनाओगे सुबह को, ये रखे टमाटर अदरक के रखे परवल। तो सब्जियाँ पहले तो धो लेंगे, हरी हरी ताज़ी बढ़िया लौकी थी, और देखो बीज नहीं निकला इसमें, बढ़िया निकली, कच्चे निकली अंदर से भी। तो लौकी काट ली मैंने, और तड़का लगाओगे, सब्जी बनाओगे लौकी की। तो फ्रेंड्स कुकर को तो किसी दिन फुर्सत लगने पर ही बढ़िया तरह बन जाएंगे, हालांकि दिक्कत तो कुछ नहीं है। तेल डाल दिया इसमें, और थोड़ा सा गर्म हो जाए तो तड़का लगाओगे, बस जीरा डाल लेंगे तड़के में और प्याज डाल लेंगे। तेल शायद गर्म हो गया होगा, सबसे पहले तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। तो प्याज भी लगभग पक गया, अब इसमें डाल देते हैं सब्जी। सब्जी तो डाल दी, अब इसमें हल्दी और नमक डाल के थोड़ा चला देते हैं, और फिर ढक्कन बंद कर देंगे। तो डाल दी हल्दी और नमक, तो बस चला देते हैं। कद्दूकस वाला था, अदरक भी कस कर डाल दिया इसमें, आज मोहत कर दिया इसका भी, बढ़िया से मिक्स कर दिया इसे, ढक्कन इसका बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स रोटियाँ भी सेक दी, आटा गूंथ लिया था, और रोटियाँ बढ़िया से बनेंगी, रोटियाँ बनेगी ये लास्ट है। फिर क्या बोला? फ्रेंड्स ऐसी बनी हमारी सब्जी, थोड़ा सा घोट देते हैं और थोड़ा सा गिर देंगे इसमें हरा धनिया और हींग।
फ्रेंड्स, हींग और हरा धनिया इसमें मैंने डाल दिया और बढ़िया तरह से इसे घोट दी, तो ऐसी सब्जी बनकर तैयार हुई हमारी। ये हो गई सब्जी और ये रायता हो गया, मट्ठा में तड़का लगाया बस रायता गया, और इसमें हो गई रोटियाँ और ये मूली की सलाद। ये है आज हमारा डिनर। फ्रेंड्स, खाना बना खा लिया हम लोगों ने, और बात कर रहा था प्रीति के चोट लगने वाली बात हमने घर पर क्यों नहीं बताई, क्योंकि देखो चोट तो है कम हो या ज़्यादा हो कुछ भी, और अगर घर पे बताया जाए ना कि बाइक से चोट लग गई तो घर वाले एकदम से घबरा जाएंगे कि पता नहीं कितनी चोट हो। तो यही सोच के हमने घर पे नहीं बताया था कि अगर घर बताया तो भैया तो ऐसे हैं गाड़ी लेकर तुरंत दौड़ेंगे वहाँ, रुड़की आ जाएंगे, जल्दबाजी में वे घर से भागेंगे, इसलिए हमने घर वालों को नहीं बताया था। और वीडियो भी इसीलिए नहीं बनाया वहाँ का कि वीडियो बना के अगर डाल दें तब भी सबको पता लग जाए, तो हम बताना इसलिए चाह रहे थे कि घर पहुँचेंगे आराम से बता देंगे, अगर चोट ज़्यादा ना हुई तो ठीक भी हो जाएगी 2-4 दिन में, तब तो बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं समझ रहे थे, लेकिन चोट काफ़ी है तो कई दिन लगेंगे, अभी 10-15 दिन तो अभी लगी जाएंगे रिकवर होने में। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।